हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के जो है 6 बज चुके हैं। मैं उठ के नहा ली, उसके बाद जो मैं किचन में आई हूँ। अभी जो ये नाइफ है इसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत जंग लगी हुई थी। और सवेरे जो है मुझे खाना ही बनाने पड़ता है क्योंकि बेटा का स्कूल होता है। और आज जो है मैं दाल बना रही हूँ, मसले वाली दाल, सब्ज़ी ऐड करके। उसके बाद जो है ऑमलेट बना दूँगी और राइस बनाऊंगी। मेरी वीडियो जो है एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से हो बताइए। ऑमलेट के लिए जो 2 अंडे लेती हूँ और उसको फोड़ के बॉल में, उसके बाद जो ऊपर से चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो और थोड़ी सी नमक डाल के उसके बाद जो फीट के रख देती हूँ। ये जो ऑमलेट है बाद में बनाऊंगी खाना देने से पहले। तो क्या बोलते हम लोग इसको, जो बोलते तरुल, प्याज, मिर्च जो कटी हुई थी, धनिया सब मिला देती हूँ। उसके बाद जो है टमाटर, पानी ऐड करती हूँ, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और जो थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। आज जो है बेटा को बहुत देर हो गई इसलिए मैं आयरन कर दे रही हूँ ब्लेजर पे, और आयरन करने के बाद जो है ऑमलेट बनाऊँगी। लो, सवेरे जो है हमेशा मैं अकेले ब्रेकफास्ट खाती हूँ क्योंकि बेटा जो है खाना खा के चला जाता है स्कूल, और मैं अकेले, मुझे खाने का मन नहीं होता सवेरे सवेरे, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और चाय पीने का तो अलग ही मज़ा है। और ये ब्रेकफास्ट जो है सूजी की पैनकेक है, सूजी को ग्राइंड की थी, नमक मिला के थोड़ा सा, और थोड़ी सी नारियल पाउडर भी डाली थी, और बचा हुआ बैटर जो है रख दूँगी फ्रिज पे, शाम को बेटा को जो है नाश्ता बना के दूँगी। ग्रॉसरी लाते वक्त सर्फ भी लाई थी लेकिन मैंने भरा के नहीं रखी थी डिब्बे पे, अभी भरा रही हूँ। अब भराने के बाद जो है कपड़ा भी धोना है, मशीन पे चालू कर दूंगी सर्फ डाल के। धोया हुआ कपड़ा जो है पटा के रख रही हूँ। और आज जो है बहन के साथ भी बात कर रही हूँ, गुवाहाटी से बहन ने फ़ोन किया, नीलम ने, उसके साथ बात कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। सब पहले ओ मैंने मुंह खोल छु सब लोग मैं हवा सारा
आज मैं सभी प्लांट में मैं कंपोस्ट डाल रही हूँ, जितनी भी लगाई हूँ इंडोर और आउटडोर में, मैं सभी प्लांट में मैं कोकोपीट और कंपोस्ट मिला के डालूँगी, क्योंकि रूखी सूखी हो गई है इसलिए। और ये जो स्टोन वगैरह है सब निकालूंगी सबसे पहले, उसके बाद जो है कंपोस्ट डाल के फिर इससे स्टोन दोबारा रख दूँगी इंडोर प्लांट में। प्लांट में जो कंपोस्ट वगैरह डालने के बाद बहुत ही गंदी होती है घर, और ये साफ़ करने पड़ता है। ये सब साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोछा भी लगाऊंगी और ये पॉट को भी साफ़ कर रही हूँ। सो सफ़ेद पॉट है, पूरा गंदी दिखाई देती है। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम के जो है 6:30 बज चुके हैं और मैं जस्ट बाहर जाके आई हूँ, ड्रेस चेंज भी नहीं की हूँ। अब जो जस्ट बेटा भी आ गया उसके लिए जो अब नाश्ता बनाने पड़ेगा। अब मैं सवेरे जो बनाई थी मेरे लिए और पैनकेक, उसी को मैं बनाऊंगी अभी। बेटा को जो है नाश्ता देने के बाद मैं मेरे लिए चाय और बेटा के लिए दूध गर्म करके दे देती हूँ। उसके बाद जो है डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर में जो है फिश लाई हूँ, बहुत खाने का मन किया था, बहुत दिन हो गया फिश नहीं खाया हुआ, लगभग 3-4 महीने ही हो गया मैंने फिश नहीं खाया हुआ, इसीलिए फिश को जो है मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ। और इसके लिए जो लहसुन अदरक की पेस्ट सबसे पहले, उसके बाद जो है हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी खट्टा, इसी जो है कस्तूरी मेथी, और इसको जो है मिक्सअप कर लूँगी। ढक के रख देती हूँ इसको। नूडल्स के लिए जो है ग्रीन मटर और जो है कॉर्न। अब सब्जी काटूंगी। वेजिटेबल्स में जो है मूली और प्याज की पत्ती, ब्रोकाउली और प्याज, उसके बाद जो है टमाटर और जो है चाइनीज साग है मेरे पास।
ये सारे इंग्रेडिएंट्स से मैं बना रही हूँ आज नूडल्स। और फिश भी हो चुकी है मैरिनेट। सबसे पहले प्याज, बाजू मटर, ब्रोकली, अनियन की पत्ती, हल्दी और नमक। प्याज की पत्ती से जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बैठा दी पैन में, जो पानी गर्म करूंगी नूडल्स के लिए। अब नूडल्स डाल दूंगी इसमें, जो है मसाला नूडल्स की, थोड़ी सी जो है नमक डाल देती हूँ। ढक्के, अब जो ये ढक्के पकने देंगे। ये पैन जो है मैंने आज खरीदा है, बाजार गई थी उस टाइम, और ये जो ग्रेनाइट की है मुझे बहुत पसंद आया। और ये जो इसकी जो टेफ्लॉन की है, अब इसमें बनाऊंगी मैं फिश फ्राई। और ये धो के रखी हुई हूँ, मैं धो के साफ करके इसको अच्छी तरह से उस तरफ जो है नूडल्स बैठा दी हूँ। अब इसमें जो फिश सेलो फ्राई करूंगी। मैरिनेट हो चुकी है और डालती हूँ सबसे पहले नूडल्स में जो दाल आ चुकी है। अब इसमें जो है सब्जियां डालूंगी मैं, काट के रखी हूँ। अभी डालती हूँ टमाटर, उसके बाद जो है मूली, कच्ची प्याज, इसको ढक के जो है पकने दूंगी। धनिया डाल के मैं घर पे हमेशा जब भी मटन चिकन फिश बनाऊँ तो मैं इस तरह से चॉपिंग बोर्ड वगैरह साफ़ कर लेके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। आज का ब्लॉग जो इतने में एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।
ओके फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड बाय बाय। सारा हार्ट दिखेगा।